अभी मैं रुका हूँ रास्ते में। एक और बात बता दूँ, देखो गाड़ी लेके अगर आप आओगे भी तो उसमें आपको पेट्रोल तो कम होगा ही होगा। रास्ते में ये एक पेट्रोल पंप है, एक ही मिला है पेट्रोल पंप मुझे, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ उधर की तरफ, क्या नाम है, रिमार्केबल रॉक्स की तरफ। रास्ते में एक पेट्रोल पंप आता है अभी तक तो। काफ़ी जगह आती हैं रास्ते में भी, ठीक है। मैं ये जा रहे जाने टाइम के ऊपर रिमार्केबल रॉक्स, तो अभी मैं हूँ बंकर हिल लुकआउट। तो ये है रिमार्केबल रॉक्स, तो यहाँ पर पार्किंग हमें मिल गई है, खुली स्पेस है यहाँ पे, तो यहाँ से भी जा सकते हो आप और यहाँ से भी जा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुके हुए हैं, काफ़ी जने आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये सारा रास्ता आपको देखने को मिलेगा, वाइट रॉक्स यहाँ पर बहुत हैं। इनायत भी आ रही है। इनायत कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो जाएंगे फिर मत कहना मेरे को, मैं नया नहीं लेके दूंगा। ये रीजनरेशन एरिया है, अभी बना नहीं है आई थिंक। ये देखो मेरे हिसाब से एक्चुअली में ना बुश फायर हुई थी 2020 में, तो ये सारे पेड़ बहुत मिले थे मेरे को रास्ते में, ये सारे सड़े पड़े हैं, ठीक है। और पब्लिक टॉयलेट भी मिल जाएगा आपको रास्ते में, ऊपर नीचे ऐसे सड़कें आ रही थी। एक पॉइंट के ऊपर जाके ऐसे लग रहा था कि नीचे कुछ है ही नहीं। तो ये जो सड़क है मतलब बनाई हुई अच्छी सही है। देखो ये सारे पेड़ जो हैं वो सड़े हुए हैं, देखो ब्लैक, बहुत अच्छा लग रहा है। ये चेक करो, देखना है नहीं दूर दो रोक मारे, यही तो फिर जन्नत है। ये नज़ारा देखो भाई, ओह माय गॉडनेस। और यहाँ पर इंटरनेट चल रहा है, तो अभी आप देख सकते हो रिमार्केबल रॉक्स। जगह दिखाओ जरा, जा रहे हैं अब नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। बहुत एंजॉय किया यहाँ पर, काफी अच्छा व्यू है, आपने देख ही लिया होगा। बढ़िया सी, ऐसे लोग आते हैं इकट्ठे यहाँ पर। तीसरी स्पॉट पे हम नहीं गए थे, दो ही स्पॉट्स घूमे हैं। अच्छी है जगह, घर वापसी कर ली हुई है।
कम से कम 120 से लेकर 130 किलोमीटर हम चले गए थे दूर अपने इस अपार्टमेंट से। तो अच्छी जगह है, आप ये दोस्त जो मैंने आपको दिखाए हैं वहाँ पर आ सकते हो। एक और जगह थी लेकिन रास्ते में जो इंटरनेट था बिल्कुल बंद हो गया था, मतलब पूरे रास्ते में आपको इंटरनेट की परेशानी ज़रूर आएगी। जब किंग्स कोर्ट आने वाला था उससे 10-15 मिनट पहले इंटरनेट चल गया था, लेकिन रास्ते में पूरा बंद रहा था। तो जब आपने मैप लगाना है, रास्ते में वैसे बोर्ड लगे होते हैं पर फिर भी कोई मिस मत कर देना, जब आप मैप लगाओ तो उसको सेव करके रखो ताकि रूट बना रहे। रास्ते में और भी काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब वो डिपेंड करता है कि आप मतलब कितना टाइम के लिए आए हो यहाँ पे। ठीक है, हमारा 2 दिन था तो आज हमने ये घूम लिया है। मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।